वेल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट सो दैट यू विल बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट कि अब आपकी कुछ परीक्षाएं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में, कि वो कहीं ना कहीं संबंधित हैं एनडीए या सीडीएस से, तो कहीं ना कहीं उसमें एक एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो अब ओवर हो गया है और परीक्षा के पश्चात जो पेपर है वो आपके हैंड में है. तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपियर हुई हैं जो हमने अपने वीडियोस में कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स के रूप में या सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में चर्चा किया हुआ था. हो सकता है वो क्वेश्चंस ना अपियर हुए हैं, लेकिन उस टाइप के काफ़ी चीज़ें अपियर हुई हैं और काफ़ी वो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया हुआ था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में और वर्ड पावर के रूप में. तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ है, यूजफुल साबित हुआ है. और जैसा हम कहते आए हैं कि ये वीडियोस आपके लिए बेहद आवश्यक हैं और इनको थोड़ा सा समय निकाल करके निश्चित तौर पर इन्हें आप वॉच कीजिएगा. वॉच करने के साथ साथ अपने मेमोरी, अपने नोट्स में से जरूर स्थान दीजिएगा, जरूर जगह दीजिएगा. ये वीडियोस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है. छोटी छोटी चीज़ें ही कभी ना कभी एक दिन बड़ी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं. और अगर हमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो फिर वही हमारे लिए सिरदर्द बन जाती हैं. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. इसमें हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स के रूप में उपस्थित हैं आपके लिए. हमने जो अपना पिछला वीडियो दिया हुआ था जिसे हमने 22 ए के रूप में कहा है, 22 ए के रूप में कहा है, आज ये उसी का अगला पार्ट है. तो इसे उसी से संबंधित या जोड़ करके देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए. कुछ विशेष नाउंस की बात हम कर रहे हैं. दिस डाटास, अब देखिए यहां लिखा है दिस डाटास आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन. यानी ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफी लाभदायक हैं, काफी आवश्यक हैं. अब यहां अगर हम गौर करें तो हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि जो डाटा होता है उसका जो प्लूरल होता है उसमें हमको एस लगाने की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो यहां से हमें एस को रिमूव करना होगा क्योंकि डाटा अपने आप में प्लूरल है और आज की दुनिया में इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंसेस में यूज कर रहे हैं. दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ ये अपीयर हो रहा है, आ रहा है. इसलिए यहां पर दिस लगा हुआ था और दिस के साथ वैसे भी हम एस का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमें हटाना था यहां से. तो दिस वेरी, इसलिए हमारा ए पार्ट करेक्ट हो जाता है. द रेस्ट इज ओके, बाकी सब कुछ ठीक है. और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो वीडियो है आपके पास तक पहुंच रहा है निश्चित तौर पर रॉयजिक वे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल रॉयजिक वे के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और निसंदेह इसका अध्ययन कीजिएगा. सेकंड सेंटेंस है द प्रेजेंट डाटास. अब देखिए फिर से यहां पर आ रहा है द प्रेजेंट डाटास. यहां पर भी हमने डाटास में एस को एक्स्ट्रा लिया हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है. तो ये हो गया अब द प्रेजेंट डाटा शो, ये दिखाता है. अब क्योंकि डाटा अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहां पर शो ही रहेगा. ये भी क्रिया बहुवचन की ही रहेगी. शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज. अब देखिए यहां पर हमने हैज का जो यूज किया है वो इलिटरेसी रेट के रूप में किया हुआ है. यानी इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब हैज काम कर रही है, इसलिए इसको हम इलिटरेसी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, है ना. हाँ, इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. लेकिन वो जो डाटा है इलिटरेसी का, जो आंकड़ा है, वो इतना नीचे आ गया है, इस लेवल तक आ गया है ना, काफी हद तक नीचे गिर गया है, बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी आशा के जो स्तर है वहां तक वो डाउन नहीं हुआ है, गिरा नहीं है.
तो यहां पर भी हमको डाटास में से एस को हटाना था और डाटा ओनली लगाना है, क्योंकि वही अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये हम वर्ब से पता करते हैं कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। अगला सेंटेंस है, बैक्टीरियम्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑल्सो इन लिविंग एंड डेड क्रीचर्स। यानी कि जीवित और अजीवित दोनों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने वर्ड सुना होगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का संबंध कहीं ना कहीं बैक्टीरियम से है, और बैक्टीरियम जो है वो इसका सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए बैक्टीरियम का प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वी आर नॉट इन द नीड ऑफ एडजस्टिंग एस हियर, कॉज विदाउट एस इट इज ऑलरेडी प्लूरल इन द सेंस बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरियम का प्लूरल होता है, और इसलिए यहां पर बैक्टीरियम्स के स्थान पर बैक्टीरिया हमें लगाना पड़ेगा। और यहां पर हमको यूएम हटा करके, यूएम हटा करके यानी ये कंप्लीट ही रिमूव कर देते हैं, बैक्टीरिया में चेंज कर देते हैं। अब ये प्लूरल हो गया, तो ये जो वर्ब है ये भी हमारी प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस का प्रयोग हमने नहीं किया हुआ है। एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, और बाकी ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है, इसलिए ये ए पार्ट वाला सेंटेंस है एंड इन गेट्स करेक्ट, जो है ये सही हो जाता है। तो ये ए पार्ट है, और यहां पर ये बी पार्ट है, ये आपके लिए सी पार्ट है, और इस तरीके से हमने ए वाले पार्ट को करेक्ट किया हुआ है। चलिए आते हैं अगले सेंटेंस पर। जैसे ए मीटिंग हैज टू बी हेल्ड, यानी एक मीटिंग होनी है टुमारो कल, बट द एजेंडास। अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं एजेंडास, जबकि जो एजेंडास होता है उसका जो सिंगुलर होता है वो होता है एजेंडम। कम ऑन, क्या काम ने एजेंडम, और एजेंडम का जो प्लूरल होता है वो एजेंडा होता है, ना कि एजेंडास। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो एस है इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और ये सिर्फ क्या बनेगा, एजेंडा, जिसका मींस होता है रूप रेखा। कम ऑन, क्या कहा हमने, रूप रेखा होता है या कार्यक्रम होता है। तो जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें एक एजेंडा प्रेजेंट किया जाता है कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद आवर सिस्टम, कैसे हम अपनी चीजों के साथ आगे बढ़े, तो उसी को हमने एजेंडा कहा है। तो अब इसका जो सही पार्ट है ये आपके लिए ए पार्ट हो जाता है, ये बी पार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा बी पार्ट हो जाता है, क्योंकि एजेंडास की जगह पर हमें एजेंडा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियाज, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियाज थ्रू विच, जिनके माध्यम से यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क। यानी देखते हैं यहां पर, देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियाज, हमारे लिए जो जानने लगा आवश्यक बात है वो मीडियाज होता है। इसमें ये ए पार्ट है, और ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट हो जाता है, हाँ? और ये आपका नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो उसे हम इस तरह से ले सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये यहां पर हो गया मीडियाज। अब आपको पता है कि जो मीडियम होता है वो सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है, और मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। मीडिया में हम अलग से एस नहीं लगा सकते, इसलिए हमारे लिए सही बनता है मीडिया, जिसमें से एस को हमें हटाना होगा। तो ये बन जाएगा आपके लिए मीठिया। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये इस तरीके से, और इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो, जिसमें आपने देखा कि हाउ टू मेक करेक्ट और हाउ टू मेक करेक्शन विच एवर सेंटेंसेस हैव बीन गिवन टू अस, जो भी हमें सेंटेंस दिए गए उनमें किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये डेफिनेटली सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है हमारे, अब पिछला वाला जो वीडियोस था उससे कनेक्ट करके जोड़ना देखना है आपको। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से हाउ टू मेक करेक्शन, कैसे करेक्शन किया जाए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये कुछ सेंटेंस थे लेकिन काफी कारगर हैं, काफी फ्रूटफुल हैं, जिसे आपने समझ ही लिया होगा। वेल, वंस अगेन मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर, और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे चैनल के माध्यम से, जिसने ये छान ली है कि सफलता तो आपको दिलवानी ही है। अगर आपकी तैयारी में है दम, तो निश्चित तौर पर
हम बनाएंगे आपको सफल, सफल बनाएंगे हम कहीं ना कहीं इन चीजों के माध्यम से। अगर आप हमारे इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए नए हैं, आज आपका पहला पदार्पण है इसकी दुनिया में, तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन उपस्थित होगा जिसे आप पुश कर दें, क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास तक अनवरत रूप से पहुंचते रहें, ताकि वो वीडियोस आपकी दुनिया में चार चांद लगा सकें और आपकी उम्मीद और आशा दोनों पर खरे उतर सकें। तो वेल, इट्स ओके फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून इन योर लैब। एक अगला वीडियो बहुत जल्दी आपकी झोली में आएगा जो कहीं ना कहीं संबंधित होगा अगले पार्ट से। तो वेल फॉर दिस वीडियो, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एनहांसिंग योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।